क्रिप्टो नॉलेज में आपका खुश आमदीद। खैर मकदम वेलकम। आज हम जानेंगे सीरीज़ का कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज़ की वायरिंग कैसे करते हैं। तो ये बोर्ड है पूरा, आज हम पूरी डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कि सीरीज़ का कनेक्शन कैसे होता है और डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका कनेक्शन, ये न्यूट्रल से कॉमन है, ठीक है, ये न्यूट्रल कॉमन है, सारा सॉकेट न्यूट्रल से कॉमन है ये, ठीक है। इसमें आपका न्यूट्रल की मेन लाइन की वायर आएगी और ये देख पा रहे हैं आप, ये फेस सारा सीरीज़ किया हुआ है, इसमें फेस की वायर आएगी, सारे स्विच में हमने सीरीज़ किया हुआ है, इसमें फेस की वायर आएगी। और ये है दो तार बल्ब की, ठीक है, जो कि आपके बैक साइड में आपके होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए सीरीज़ का कनेक्शन आज हम करके दिखाते हैं आपको और डायरेक्ट कैसे होगा वो भी हम करके दिखाते हैं। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये हमने मेन लाइन की वायर इसमें जोड़ दी है। देखिए ये फेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल सारे सॉकेट में कंबाइंड किया हुआ है। ये वाला जो है इस वाले स्विच से कनेक्ट किया हुआ है हमने, ये वाला इस वाले स्विच से कनेक्ट किया हुआ है, और ये जो है ये स्विच, ये आपके इस सॉकेट का सीरीज़ बन जाएगा ये बल्ब का, ठीक है। ये वाला इस सॉकेट से कनेक्ट है ये पावर का। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसको लाइट दे करके। तो हमने इसमें लाइन दे दिया है, आप देख सकते हैं, देखिए हमने लाइन दिया है इसमें, देखिए इस स्विच से है, ठीक है। अब हम आपको सीरीज़ चेक कराते हैं कि सीरीज़ में बल्ब कैसे जलेगा। तो हमने ये लगाया बल्ब, ठीक है, और अब हम आपको चेक कराएंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमने सीरीज़ के सॉकेट में हमने इसका स्विच का कनेक्शन दे दिया है। अब हम इसका स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑन करने के बाद जब हम आपस में वायर को टच करेंगे बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए बल्ब जल चुका, ठीक है, सीरीज़ से। इसी तरह से होता है सीरीज़ का कनेक्शन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।